हेलो स्टूडेंट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल टुडे आई एम हियर विद द टॉपिक ईडियोमेटिक फ्रेजेस बच्चों ईडियोमेटिक फ्रेजेस को हम हिंदी में मुहावरे कहते हैं और मुहावरे शब्दों का एक ऐसा समूह होते हैं जिनका एक विशेष अर्थ होता है आज हम मुहावरों को अंग्रेजी में पढ़ेंगे बच्चों मुहावरों को अंग्रेजी में हम ईडियम्स कहते हैं और हर एक ईडीएम का एक स्पेशल मीनिंग होता है तो बच्चों सबसे पहले हम ई की डेफिनेशन पर जाते हैं एन idiom is इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुज मीनिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड इसका मतलब है ईडीएम्स शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका एक विशेष अर्थ होता है सो चिल्ड्रेन सम Examples. The first idiom is a piece of cake, and the meaning of this idiom is very easy. Very easy, matlab bahut saral. The sentence for this is today's maths paper was a piece of cake for me. Aajka, maths ka paper, merile bahut saral tha. From here, children, you must have seen a piece of cake has a special meaning that is very

रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है हैवी रेनफॉल। फॉल लेटस मूव टूअर्ड्स द नेक्स्ट ईडियम गेट कोल्ड फीट एंड द मीनिंग ऑफ दिस ईडियम इज बिकम नर्वस घबरा जाना द सेंटेंस ऑफ दिस ईडियम इज ही गॉट कोल्ड फीट वेन ही वॉज आस्ट टू एड्रेस द दसेंबली वह घबरा गया जब उसे असेंबली में बोलने को कहा गया सो चिल्ड्रेन द इडियम गेट कोल्ड फीट का मीनिंग है बिकम नर्वस नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन सी आई टू आई एंड द मीनिंग ऑफ दिस इडियम इज टू एग्री टू एग्री मतलब होता है सहमत होना सेंटेंस फॉर दिस इडियम इज बीना कुड नेवर सी आई टू आई विद हर फादर बिना कभी भी अपने पिताजी से सहमत नहीं होती है सो चिल्ड्रेन ईडियम सी आई टू आई हैज़ अ मीनिंग टू एग्री नाव लेटर्स मूव टू द नेक्स्ट ईडियम इन हॉट वॉटर द मीनिंग ऑफ दिस ईडियम इज बी इन ट्रबल परेशानी में होना द सेंटेंस फॉर दिस ईडियम इज राम बिहेवियर हैज़ पुट हिस्स फैमली इन हॉट वाटर इसका मतलब है रमन के व्यवहार ने उसके परिवार को परेशानी में डाल दिया है सो चिल्ड्रिन द मीनिंग ऑफ इडियम इन हॉट वाटर मीन्स बी इन ट्रबल नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन इडियम एट वंस फिंगर टिप द मीनिंग ऑफ दिस इडियम इज कंप्लीट नॉलेज पूरा ज्ञान द सेंटेंस फॉर दिस इडियम इज द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट द टेबल्स मस्ट बी इन दियर फिंगर टिप्स टीचर ने बच्चों से कहा कि उन्हें टेबल्स यानी पहाड़ों का पूरा ज्ञान होना चाहिए सो चिल द ईडियम एट वंस फिंगर टिप्स मीन्स कंप्लीट नॉलेज द नेक्स्ट ईडियम इज एन एप्पल ऑफ वंस आई मीनिंग सम फेवरेट पर्सन किसी के आँखों का तारा होना सेंटेंस राज इज एन एप्पल ऑफ हिज फादर्स आई राज अपने पिताजी के आँखों का तारा है सो द इडियम एन एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब है फेवरेट पर्सन द नेक्स्ट वन इज एट एन आर्म लेंथ एंड द मीनिंग ऑफ दिस इज कीप डिस्टेंस दूरी बनाकर रखना और आपने व्हीकल्स यानी गाड़ियों में भी ये शब्द देखा होगा कीप डिस्टेंस देंटेंस फॉर दिस इज ही कीप्स हिज रिलेटिव एट एंड आर्म्स लेंथ मतलब वह अपने रिश्तेदारों से एक दूरी बनाकर रहता है सो चिल्ड्रेन ईडियम एट एंड आर्म्स लेंथ का मीनिंग है कीप डिटेंस नाउ लेटस मूव टू द नेक्स्ट वन ईडीएम एन आम एन अ लेग ईडीएम एंड आम एंड अ लेग मीन्स वेरी एक्सपेंसिव बहुत महंगा एंड द सेंटेंस फॉर दिस इज बाइंग दिस कार मी एन आम एन अ लेग यह कार खरीदना मेरे लिए बहुत महंगा पड़ा सो चिल्ड्रेन द मीनिंग ऑफ ई डी एम एंड आम and a leg is very expensive now let us see the exercise that i have made for you based on idiomatic phrases the first is let's read some phrases a piece of cake means very easy raining cats and dogs means raining heavily an apple of one's eye means someone favorite see eye to eye means to agree an arm and a leg means very expensive. Get cold feet means be to be nervous. At once fingertips means complete knowledge. At an arm length means keep distance. So children, a small exercise based on these idioms is given to you. You read out these questions and write the meanings of these idioms. I request you to learn these idioms and use these idioms while you talk and while you read. This will be very helpful and will also improve your language skills. Thank you. Have a nice time.